हेलो दोस्तों, कुक बाय प्रियंका में आपका स्वागत है। तो आज बना रहे हैं मटर की कचौड़ी। क्या हुआ, सुन के आपको ताजुब लग रहा है? बहुत झंझट है ना? नहीं, बिल्कुल घबराइए नहीं। बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे और बिल्कुल झटपट ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब कोई झंझट नहीं करना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो के साथ। तो ये देखिए दोस्तों, हमने एक कटोरी ले ली है ये मटर। तो ये एक कटोरा भर के है, तो आप एक कटोरी भी ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। तो चलिए देखिए, इस ग्राइंडिंग जार में हम इसको डाल देंगे। ठीक है, अब हम इसी के साथ डाल देंगे ये लहसुन। ये कम से कम देखिए 8 से 9 कली लहसुन है और ये 3 से 4 हरी मिर्च है। इसको भी इसी के साथ डाल देंगे और इसी के साथ डाल देंगे हम ये थोड़ी सी हरी धनिया। ठीक है, तो ये देखिए हरी धनिया भी इसी में ऐड कर दिया हमने। ठीक, और हरी धनिया ऐड करने के बाद दोस्तों, अब हम इसको थोड़ा पीस लेंगे। तो उससे पहले हम इसमें डाल देंगे, हमको इसको पेस्ट बनाना है ना, तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो पानी आप आधी कटोरी तक डालिएगा, ज़्यादा पानी मत ऐड करिएगा। बस अब इसको हम खूब बढ़िया सा महीन सा पेस्ट बना लेते हैं। तो चलिए अब इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बढ़िया सा पेस्ट हमारा बनके तैयार हो गया। कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है ना। तो अब चलिए इसमें हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसको हम इसी तरह पलट लेंगे क्योंकि पेस्ट बना है ना, तो बहुत बढ़िया सा बनके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने पूरा निकाल लिया हुआ है। अब इसी में हम मिलाएंगे मसाले। तो देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया सा पेस्ट बन गया है। अब चलिए इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मिलाएंगे इसमें स्वादानुसार नमक। नमक बहुत कम डालिएगा। तो ये देखिए, स्वादानुसार इसमें नमक ऐड कर देंगे। फिर डालेंगे इसमें हम जीरा पाउडर। ये देखिए, 2 चम्मच 1.5 चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर देंगे। इसमें डाल देंगे अजवाइन। अजवाइन अगर आप नहीं खाना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। देखिए, थोड़ी सी अजवाइन ली है, इसको आप बढ़िया सा क्रश कर लीजिए। तो ये देखिए, क्रश हो गई। इसमें डाल दीजिए आप थोड़ा सा हल्दी। हल्दी से क्या होगा, कलर अच्छे आएंगे। ठीक है, इसमें डालेंगे ये पीसी धनिया। ठीक है, ये लीजिए। अब इसको खूब बढ़िया से चम्मच से चला लेते हैं। अरे एक चीज़ तो भूल गए दोस्तों, इसमें डालिए आप हींग। तो इसमें ज़रा सी हींग डाल दीजिए। ये लीजिए, ज़रा सी हींग डाल दीजिए। अब इसको खूब बढ़िया से चला लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, चम्मच की सहायता से खूब बढ़िया से चला लीजिए। ये देखिए हो गया। इसको खूब बढ़िया से चला लीजिए। चलाने के बाद अब इसमें हम आटा ऐड करेंगे। तो चलिए इसमें आटा ऐड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के बेसन। ठीक है, तो ये लीजिए, हमने 1 चम्मच भर के बेसन ऐड कर दिया है। थोड़ा सा और डाल दिया है और इसमें ऐड करेंगे, इसका स्वाद बढ़ाएगा ये थोड़ी सी सूजी। तो हमारे पास ये चम्मच बड़ा है तो ये 1 चमचा है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, थोड़ी सी सूजी ऐड कर दिया है। अब इसको हम खूब बढ़िया सा चला लेंगे। ये लीजिए, इसको खूब बढ़िया से चलाने के बाद अब इसमें हम गेहूं का आटा ऐड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम आटा ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आटा है। तो जितना आपको आवश्यकता हो उतना आप आटा ले लीजिए। तो ये आटा हमने ऐड कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे ये तेल। ये सोयाबीन रिफाइंड ऑयल है, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद दोस्तों, अब हम इसमें डाल के इसको खूब बढ़िया सा अब हम इसका डो तैयार करेंगे। तो चलिए इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो इसको खूब बढ़िया सा हल्के हाथ से खूब बढ़िया सा मसल लीजिए। ये देखिए, बड़े ही धीरे 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 मसलिएगा, क्योंकि ये जो मटर है, ये मटर खुद ही गीला है तो इसमें अभी पानी की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो इसीलिए इसको खूब बढ़िया सा इसी से मटर के पेस्ट से इसको खूब बढ़िया सा सान लीजिए। और एक बार ये बिना झंझट वाली कचौड़ी बना के खिला दीजिए। इससे कचौड़ी भी बना लीजिए, पराठा भी बना लीजिए, जो भी आपको सरल हो बना लीजिए। उसके बाद इसको खिला दीजिए, यकीन मानिए आपको सब लोग गिफ्ट देंगे ज़रूर, कोई आपको चूकेगा नहीं। और जब खिलाइएगा तो सबसे पहले गिफ्ट ज़रूर मांगिएगा, और अपने हस्बैंड से ज़रूर मांगिएगा। उनसे कहिए पहले गिफ्ट सामने रखिए, उसके बाद ये खाइए। ठीक है, एक हाथ में गिफ्ट और दूसरे हाथ से ये मस्त मस्त पूड़ी। चलिए इसको हम धीरे धीरे सान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा आटा लग के तैयार हो गया है। देखिए कितना बढ़िया सा आटा हो गया ना। तो अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ी देर के लिए, कम से कम 5 से 7 मिनट तक
इसको ढक कर रख देंगे किसी चीज़ से, तो ये हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा, है ना। तो चलिए 5-7 मिनट तक हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं। और आपको एक नई चीज़ बताते हैं कि आज हमारी ये जो इसके साथ जो सब्जी लगेगी वो हमारे हस्बैंड बनाएंगे, ठीक है। तो वो भी हम वीडियो इसी में के साथ ही डाल देंगे, ओके। तो हम पूड़ी बनाएंगे और वो सब्जी बनाएंगे, है ना कॉम्बिनेशन। चलिए देखते हैं, बहुत मज़ा आएगा वीडियो में, बने रहिएगा अंत तक। तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा सही हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ये तेल जो है, तो ये तेल हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे। इसको खूब बढ़िया से ऐसे लगा देंगे, ये देखिए, इसको खूब बढ़िया से तेल ऐसे लगा दीजिए ताकि इसी में तेल एब्जॉर्ब कर ले। ये देखिए, इसको भी थोड़ा सा ऐसे, ये थोड़ा सा तेल हम निकाले हुए थे ना, तो इसी को इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको खूब बढ़िया से इसी से हम सान लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये खूब बढ़िया से इसको सान ली। अब फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए फिर से इसको हम ढक कर रख देंगे ताकि ये खूब अच्छे से सेट हो जाएगा। तो चलिए फिर से इसको सेट करने के लिए रख देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे हस्बैंड जी जा रहे हैं सब्जी बनाने। तो किस चीज़ की है सब्जी, ये आलू मटर और ये प्याज वाज है, प्याज 2 है और इसको खूब बारीक कर लिए हैं। ये कटी लहसुन है और ये कटा हुआ घिसा हुआ अदरक है और ये मिर्च है, ठीक है। और ये देखिए हस्बैंड जी हमारे हैं और ये बनाने जा रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, तेल देखिए गर्म हो चुका है और इसको ये फ्राई करेंगे। तो ये देखिए आलू, जो कटी आलू है, इसको ये धीरे से डालेंगे और ये फ्राई करेंगे। ये देखिए, तो देखिए दोस्तों, ये खूब बढ़िया सा फ्राई कर रहे हैं, ये लीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ये थोड़ा सा पक रहा है, आलू फ्राई हो रहा है, उसी भी चलिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें हम डालेंगे ये तेल, तेल डाल दिया हुआ है। और तेल डालने के बाद सरसों का तेल जब गर्म हो जाएगा तब इसके आगे डालते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा ये हीट हो चुका है, इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ता। अब इसको खूब बढ़िया से गर्म हो जाने देंगे। तो देखिए दोस्तों, अब जीरा डाल दीजिए इसमें, थोड़ी सी जीरा। अब इसको पक जाने देंगे। अब जब जीरा हमारा पक जाएगा तब इसमें डालेंगे लाल मिर्च है, तो आप हरी मिर्च डाल लीजिएगा। तो ये हरी मिर्च हमने डाल दिया है। अब जब हरी मिर्च हमारा पक जाएगा तो इसमें डाल देंगे ये अदरक कुटी हुई, ये लीजिए। और ये देखिए कटी हुई हमने लहसुन भी इसी में ऐड कर दिया है। अब इसको खूब बढ़िया सा पका लेते हैं। तो चलिए इसको पका लेते हैं। तो ये देखिए, अब इसमें हम डाल देंगे प्याज, ये लीजिए दोस्तों, ये हमने खूब बढ़िया सा प्याज डाल दिया है। और इसको खूब बढ़िया सा पका लेंगे। तो चलिए इसको फिर ज़्यादा नहीं पकाना है, गोल्डन होने तक इसको खूब बढ़िया सा पका लेना है। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारे मसाले हैं, ये है 2 चम्मच है, ये है पीसी वाली धनिया, ये 1 से 1.5 चम्मच है, ये सब्जी वाला मसाला, ये है स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर और ये है 2 चम्मच हल्दी, ठीक है। तो चलिए इतना मसाला हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा आलू बिल्कुल पक गया है, उधर आप देख सकते हैं उधर हमारा मसाला पक रहा है। तो ये आलू अब हम चलिए प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए बिल्कुल बढ़िया सा गोल्डन हो चुका है, आप देख सकते हैं, ये देखिए पास से दिखा दें, देखिए कितना बढ़िया सा पक गया ना। अब इसी स्टेज में हम इसको निकाल लेते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। पतिदेव जी निकालिए, ये देखिए निकाल रहे हैं, ये देखिए खूब बढ़िया सा निकाल लीजिए। देखिए दोस्तों, ये हमारा आलू देखिए खूब बढ़िया सा फ्राई हो गया था, इसको हमने निकाल लिया है और ये देखिए मसाला हमारा पक रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पक गया है, अब देखिए कितना लाल हो गया। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। चलिए मसाला ऐड कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, मसाला ऐड करके अब इसको खूब बढ़िया से चला लेंगे। देखिए ये हमारे हस्बैंड जी कितना बढ़िया से मसाला बना दिए हैं, देखिए खूब लाल कर दिए हैं प्याज को। ये देखिए, इसको खूब मसाले को खूब पका लीजिए। ये सब्जी बनाने में बहुत स्पेशलिस्ट हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, आपके हस्बैंड आपके साथ बनाते हैं कि नहीं। जिनके जिनके भी बनाते हैं सब लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक। तो ये देखिए दोस्तों, ये कितनी बढ़िया सब्जी है, ये बना रहे हैं और धीरे धीरे मुस्की भी छाट रहे हैं। मुस्की दिखाएं आपको, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए हंस रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। अब इसमें हम मटर डाल देंगे। अब मटर डाल के बीच में डाल देंगे ये जो फ्राई किया हुआ आलू था, उसको भी ऐड कर देंगे। ये देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, चला लेंगे। तो
ये देखिए बड़े आराम से चला लीजिए, मसाले उसमें सारे लपट गए हैं। ये देखिए चल गया ना, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो सब्जी देखने में अच्छी लग रही है ना। बस ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये लीजिए लग रहा है रसेदार बनाने का विचार है क्या, हमें तो पता भी नहीं है। ये देखिए अब इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारा आटा खूब बढ़िया से लग गया। उधर हमारी सब्जी देखिए, इधर सब्जी बन रही है, अब इधर चलिए हम पूरी हम छान लेते हैं। तो देखिए आटा कितना बढ़िया से हो गया ना। तो चलिए इसको दो भाग में कर लेते हैं। तो इसको दो भाग में कर लीजिए, इसकी पतली पतली छोटी छोटी लोइयां काट लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इसको नींबू के आकार में छोटी छोटी लोइयां, ये देखिए नींबू की तरह, ये देखिए छोटा छोटा काट लीजिए। देखिए दोस्तों ये हमारी लोइयां कट के तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसकी बढ़िया गर्मा गर्म पूरी छानेंगे। चलिए दोस्तों अब हम पूरी बनाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हम इसमें ले लिए हैं, अब इसमें थोड़ा सा हम ऑयल ग्रीस कर देंगे। और ये देखिए अब इसको खूब बढ़िया सा लोइया बनाएंगे। देखिए आपको लग रहा है ये मटर की पूरी है, बिना कोई झंझट के बन रहा है ना। तो एक लाइक तो बनता है, तो कितनी लाइक करेंगे, लेकिन एक चैनल पे एक वीडियो पे एक ही लाइक करेंगे ना। तो इसलिए बड़ा कम वो है कि हम क्या करें कैसे करें। तो आप ज़्यादा खुद नहीं करिए, आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करिए जरूर, ठीक है। अच्छा अच्छा कमेंट करिए, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। और जिसका भी अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसका नाम भी हम चैनल पर अनाउंसमेंट करेंगे। देखिए पूरी बन गई है, अब चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा तेल खूब बढ़िया से गर्म हो गया है, इसी में हमने आलू तला हुआ था, तो इसी में हम पूड़ी भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये पूड़ी हमने डालेंगे, इसको छूना नहीं है, ये अपने आप ही फूल जाएगी। तो देखिए दोस्तों ये फूल गई ना, हो गया चमत्कार। ये देखिए अब इसको हम पलट लेते हैं, अब इसको गोल्डन होने तक खूब बढ़िया सा तल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों खूब बढ़िया सा हमारा फूली फूली ये कचौड़ी बन के मटर की तैयार हो जाएगी। उधर सब्जी भी बन रही है तो फटाफट से बनाइएगा। ये देखिए हो गया बढ़िया सा गोल्डन, अब इसको खूब बढ़िया सा हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए ये थाली, और इसी में हम निकाल लिए हैं। चलिए सारी पूड़ियाँ इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। ये दोस्तों ये हमारी सब्जी देखिए पक के तैयार हो गई है। थोड़ा सा मियाँ जी इसको चला दीजिए, सब्जी थोड़ा सा चलाइए। ये देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया सी सब्जी बन गई ना। अब चलिए इसके ऊपर क्या डालेंगे, धनिया। तो चलिए इसको धनिया से सजा लीजिए, गैस को कर दीजिए बंद। और ये लीजिए ये इसके ऊपर खूब बढ़िया सा धनिया से गार्निश कर देंगे। ये लीजिए मज़ेदार सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। तैयार हो गई है ना, तो ये लीजिए मस्त मस्त हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इधर देखिए ये हमारी पूरी बन रही है ना, मटर की कचौड़ी और आलू टमाटर की और वो मटर की सब्जी। थोड़ा सा दोस्तों कंफ्यूज हैं, अब इसको ढक देंगे और चलिए बना लेते हैं। अब चलिए खाना निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम थाली में लगा लेते हैं। तो हमारी पूड़ी भी बन गई, सब्जी भी बन गई, और आपके भी मुंह में पानी आ रहा है ना। तो चलिए सब्जी देखकर तो मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए ये लीजिए हमारी सब्जी, इसको निकाल लेते हैं। और ये देखिए मस्त मस्त सब्जी हमारी ये तैयार हो गई। अब हम इसमें रख देते हैं ये गर्मा गर्म पूड़ी। ये देखिए दोस्तों कोई कह नहीं सकता कि ये मटर की पूड़ी नहीं है, बताइए। अब झटपट ही बनाएंगे आप लोग ना। तो देखिए दोस्तों तो वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। देखिए ये है मटर की पूड़ी, देखिए ना कहीं से फटी है और ना ही कहीं से, देखिए किनारे से भी कहीं कुछ भी नहीं है, लग ही नहीं रहा है कि मटर की पूड़ी है। देखिए देखिए कितनी बढ़िया पूड़ी है। अब इसको हम थोड़ा सा तोड़ के दिखाते हैं। तो कैसे दिखाएं दोस्तों, एक हाथ में हमने वो लिया है, तो ये सब्जी को हम कर देते हैं इस साइड। और ये लीजिए देखिए थोड़ा सा हमने तोड़ा है, अब हम आपको दिखा दें। देखिए कितनी बढ़िया सी कुरकुरी सी हमारी ये बनके तैयार हो गई। देखिए कितनी बढ़िया सी बनके तैयार हो गई ना। तो चलिए अगर भी जाते जाते हमें वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करती जाइए। मिलते हैं इसी तरह नई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।